नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न। यूं तो मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन बजरंग बली हनुमान भगवान को पान चढ़ाने का रिवाज है। दरअसल इस पान के साथ साथ विशेष प्रार्थना भी की जाती है। कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान अर्पित करने से जीवन की हर समस्या और दुखों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि क्या है पान चढ़ाने के लाभ। तो दोस्तों, कहते हैं भगवान हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त है, यानी कि हनुमान जी लक्ष्मी के आठों रूपों का आशीर्वाद है। ऐसे में अगर आप हनुमान जी को पान चढ़ाते हैं तो आप पर लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी। और यह तो आप सभी जानते हैं कि राम भक्त हनुमान अगर खुश हो जाएंगे तो भगवान राम भी प्रसन्न होंगे। वहीं शास्त्रों की माने तो भगवान राम को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ऐसे में आपको भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा। और कहते हैं कि भगवान शनि ने श्री हनुमान जी को एक बार वचन दिया था कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो उस पर कभी भी शनि टेढ़ी दृष्टि नहीं डालेगा। अगर आप पर शनि की साढ़े सती चल रही है या आपका शनि कमजोर है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें और उन्हें पान चढ़ाना ना भूलें। वहीं अगर आपका मंगल कमजोर है तो मंगलवार के दिन पान चढ़ाने से आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पान तो हमें चढ़ाना है, लेकिन वह पान कैसा होना चाहिए, कैसे उसे बनाएं, उसमें क्या होना चाहिए जिससे वो हनुमान जी को अच्छा लगे या उनका मन भाए और वो उससे प्रसन्न हो जाएं। ध्यान रहे, आप भगवान हनुमान जी के लिए पान बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी को ही अपने पान में डलवाएं। यह पान एकदम ताज़ा, मीठा और रस भरा होना चाहिए। भूले नहीं कि आपके पान में चूना, तंबाकू, सुपारी नहीं डली हो। दोस्तों, कैसे करें अर्पण ये पान भगवान हनुमान जी को? अच्छे और सच्चे मन के साथ विधि विधान से पूजन करने के बाद यह आप अर्ज कीजिए कि हे हनुमान जी, यह मीठा पान आपको अर्पण है, इस पान की तरह मेरे जीवन में भी मिठास भर दें। याद रखें कि अगर आप हनुमान जी को यह बोलकर पान अपने सच्चे मन के साथ अर्पण करेंगे तो भगवान बजरंग बली की कृपा से आपकी हर परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।